press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो ना सिर्फ बात करेंगी हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बहुत ही सारे लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं यानी कि एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए होता क्या है ना, मुस्लिम कम्युनिटी में हमेशा बहुत सारे धर्मों से उनको दूर रखा जाता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बाकी धर्म बोलता क्या है। लेकिन हमारी 5 अलहामी किताबें हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल किया, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, तब कुरान आया। तो हमें बचपन से ये भी सिखाया जाता था कि हम चर्च नहीं जा सकते, पर चर्च में भी मदर मैरी हैं और हमारे कुरान में मरियम अलैहि सलाम है। तो मुझे वहां से ऐसा फील हुआ कि मुझे एक बार तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए, मुझे एक बार रामायण पढ़ना चाहिए। बचपन में जिद करती थी पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से रुक जाना पड़ता था। पर जब मच्योर हुई तो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की और जब मैं पढ़ी तो अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में पढ़ी। मेरा कमांड काफी लैंग्वेजेस में है, फारसी में है, अरबी में है, इंग्लिश में है, बंगाली में है, हिंदी में है, तो मैंने काफी लैंग्वेजेस में उसको पढ़ा। फिर मुझे आइस्कॉन टेम्पल, जो भारत का सबसे बड़ा है मायापुर में, वहां पर उन्होंने मुझे अरबिक में भगवद गीता दिया। जब मैंने पढ़ा तो मतलब आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि भाई मेरे कुरान में तो तलाक जैसी, हलाला जैसी चीजें हैं। आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 में शर्तन से जुदा करने की भी बातें हैं, जिहाद की भी बातें हैं। पर हिंदू धर्मा में के जितनी भी मैंने रिलीजियस बुक को पढ़ा, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी बातें खूबसूरत हैं। ह्यूमैनिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है और यही रीजन फिर मैंने देखा कि 82.7% सनातनियों के भीड़ में रह करके मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, मैं अपनी इज्जत आबरू के साथ उम्र का 32 साल गुजार दी। लेकिन सिर्फ 17 करोड़ की आबादी में श्रद्धा सेफ नहीं है, उसकी बोटियां हो जाती हैं। सुजर जॉर्डन सेफ नहीं है, गाड़ी में उसको पकड़ करके उसका बलात्कार 2 मुसलमान भाई कर देते हैं और ऐसी कई मिसालें हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, मुझे उसका प्रचार भी करना चाहिए, मुझे उसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना चाहिए और मैं वो करना स्टार्ट कर दी मैंने। अच्छा, ये आप जहां से बिलोंग करती है, बंगाल से, वहां संदेश काली जैसी घटना होती है और मीडिया में उसका बहुत सारा रिएक्शन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बार बार इस प्रकार के इंसिडेंट होते रहते हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों की क्या भावना है? देखिए मैं पिछले 14-15 साल से मैं कंटिन्यूअसली वेस्ट बंगाल में हूँ, कंटिन्यूअसली, और पिछले 2016 से मैं कंटिन्यूअसली चैनल के माध्यम या सोशल अवेयरनेस के माध्यम में ये बातें बताई जा रही थी कि महिलाएं, हिंदू महिलाएं सेफ नहीं हैं पश्चिम बंगाल में। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं हैं? मुस्लिम महिलाएं एकदम सेफ हैं, एकदम सेफ हैं। लेकिन वो मुस्लिम महिलाएं सेफ हैं जो वहां की कुप्रथा और दुर्नीति के सपोर्ट में हैं। अच्छा, अगर वहां पर मुस्लिम महिला संविधान की बात करेगी पश्चिम बंगाल की धरती पर, या धर्मों के फैक्ट को, फिगर को सामने रखेगी, तो वहां पर वो भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब संदेश खाली की मैं बात कह देती हूं कि एक शाहजहां हमने देखा था मुगल, जिन्होंने सिर्फ मुमताज से शादी नहीं की थी बल्कि उनकी तमाम बहनों से शादियां कर डाली थी, और एक शेख शाहजहां है तृणमूल कांग्रेस का बड़ा नेता, जो ना मंत्री है, ना एमएलए है, ना काउंसिलर है, ना पंचायत प्रधान है, लेकिन वो नेता है और बड़ा दबंग नेता है। अच्छा, 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है उसके पास, और पूरे संदेश खाली की मां बहने, हिंदू मां बहने, जिनके मांग में सिंदूर है, हाथ में शाखा पौला है, पैर में आलता है, बिछिया है, आज उनको रोड पर उतरना पड़ा है और अपने इज्जत के लिए इंसाफ की भीख मांग रही है। संदेश खाली के शेख शाहजहां के लोगों ने और शेख शाहजहां ने जिस मां को अत्याचारित किया, उसकी बेटी को भी अत्याचारित किया।
माँ भी उसी बिस्तर का खिलौना बनी है जिस बिस्तर का खिलौना बेटी बनी है। संदेश खाली के शेख शाहजहां और उनके जितने भी एसोसिएट हैं, उनकी नजर में हिंदू औरतें सिर्फ उनके बिस्तर का एंजॉयमेंट का सामान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी महिला, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर की हो, चाहे वो बहुत मॉडर्न कल्चर की हो, चाहे वो मतलब बहुत लिबरल हो, उसका बलात्कार हुआ है ये कोई नहीं बोल पाती है। पर पेशेंस जो होता है ना, वो कभी कभी खो बैठता है इंसान, और वही हुआ है संदेश खाली में। इतना अत्याचार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया है कि अब वहां की महिलाएं पेशेंस खो बैठी और वो रोड पर उतर गई। मुझे याद है कि 2023 में दुर्गापुर में जब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऐलानिया कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिहाद होगा, और उन्होंने माता बहनों को कहा था कि झाड़ू उठा लो और बेलन उठा लो और चम्मच उठा लो, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने आएंगे, और वोट अगर मांगने आते हैं और तुम लोग वोट दे देते हो तो भगवान तुमको माफ नहीं, अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। ये ब्राह्मण घर की बेटी श्रीमती ममता बनर्जी के मुंह से निकला था कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। और आज देखिए कुदरत का निजाम, कहते हैं ना कर्मा इज बूमरैंग, वही माता बहने झाड़ू भी उठाई है, चप्पल का माला भी उठाई है, बेलन भी उठाई है, चमचा भी उठाई है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं उठाई है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में उठा चुकी हैं। कल की ये घटना है कि एक बहुत बड़े न्यूज एंकर को अरेस्ट कर लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी दिशा पे चल पड़ा है जो 2021 में वहां के मेयर फरहाद हकीम साहब ने, और ममता बनर्जी के लाडले मंत्री है वो, उन्होंने ऐलानिया द डॉन न्यूज़पेपर को, पाकिस्तान के एंकर को, पश्चिम बंगाल की धरती पर कहा था कि कलकत्ता तो मिनी पाकिस्तान है। आप 2012 उठा लीजिए, जब सुजर जॉर्डन का बलात्कार हुआ तो भी मिनी पाकिस्तान ही था, क्योंकि बलात्कारी मुसलमान था, इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होने के नाते होते हुए भी उन्होंने कहा सब सजीवी घटना है, क्योंकि बलात्कारी मुसलमान था। उसके बाद कामधुनी का 3 बार बलात्कार हुआ, क्योंकि वो पठाना जा रही थी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाने के लिए। एक्विटल मिल गया 2023 में जो बलात्कारी थे, क्यों मिला? क्योंकि बलात्कारी मुसलमान था। 5 मुसलमानों ने 72 साल की नन का बलात्कार किया कोलकाता में, चर्च के अंदर एंटर करके, छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि बलात्कारी मुसलमान था। शेख शाहजहां अब तक अरेस्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है 10,000 से ऊपर महिलाओं का बलात्कार करने के बावजूद? जी हाँ, ये आंकड़ा कहां से आया? ये आंकड़ा रोज न्यूज चैनल पर है, जो रोड पर उतरी हुई है महिलाएं उनको देखिए। वो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है? हालांकि रेशन स्कैम, उसके ऊपर ईडी भी हमला बोली हुई है। ईडी जब जाता है तो उसका सर फोड़ दिया जाता है, ईडी ऑफिसर का भी मर्डर करने का चेष्टा किया जाता है, क्योंकि वो मुसलमान है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान बलात्कार करे कोई आरोप है ही नहीं, वो तो भाई जिहाद के नाम पर पैंट का जिप खुल रहा है और हिंदू महिलाओं का बलात्कार। मैं पूछना चाहता हूं कि ये घटना आपने बताया कि 2012 से हो रही है जी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी लगातार वहां से जीतती आ रही है जी, इसका मतलब ये साफ है कि उधर के हिंदू भी है वो तृणमूल को वोट करते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, मैं अगर सही तरीके से परसेंटेज निकाल दूं तो लोग क्या सर्च करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज सब कितने हैं, तो माइनॉरिटीज का आंकड़ा आएगा 27.8% मोररलेस, और रिमेनिंग आ जाएगा कि हिंदूस है जिसमें मारवाड़ी सब कोई है। लेकिन जो हिडन आंकड़ा है वो 60-40 का है, क्योंकि रोहिंग्या जो वहां पर घुसपैठियां हैं, पाकिस्तानी और पेशावरी जो वहां पर घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी जो वहां पर घुसपैठियां हैं, उनको कौन काउंट करेगा? तो ये समझ लीजिए कि 40% डायरेक्ट वोट श्रीमती ममता बनर्जी के बॉक्स में जा रहा है, और 60 में जाहिर सी बात है कि वो तो बटेगा ही। बिल्कुल। तो अगर जनता चाहती भी है पश्चिम बंगाल के, जिसके हाथ में फैक्ट वोटर आईडी कार्ड है, कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाए, तो ये जो हिडन आंकड़ा जो छुप करके रखा हुआ है ये तो वोट करता है ना ममता बनर्जी को, तो ओरिजिनल आंकड़ा ऐसे भी फेल हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने अपनी बुलंद आवाज में ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे सनातन धर्म और भारत के बारे में,
बल्कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताया कि क्यों बहुत सारे लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।